नमस्कार वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा संघर्ष विराम, भीमबर गली सेक्टर में गोलीबारी में एक जवान शहीद। चीन की धमकी, डोकलाम से भारतीय सेना नहीं हटी तो हालात होंगे बदतर। भारतीय सेना ने मांगे चीन और पाक को सबक सिखाने के लिए 27 लाख करोड़ रुपए, सेना को अत्याधुनिक बनाने पर होंगे खर्च। राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुआ मतदान परिणाम 20 जुलाई को आएगा, 24 जुलाई को खत्म हो रहा है प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल। सपा मुखिया अखिलेश यादव की अपील को दरकिनार कर शिवपाल यादव ने दिया एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को वोट। शिवसेना ने पूछा मुंबई धमाकों के दोषी याकूब की फांसी रोकने के लिए सड़क पर उतरे गोपाल कृष्ण को कांग्रेस ने क्यों बनाया उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। शशिकला को जेल में मिल रही सुविधाओं पर सवाल उठाने वाली डीआईजी डी रूपा का तबादला। मानसून सत्र से पहले पीएम मोदी ने कहा जीएसटी का मतलब ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर टूगेदर। कैमरून का सैन्य पोत समुद्र में डूबा, दर्जनों लोग लापता। आज की खास खबरें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।